बच्चों क्या आप लोगों को पता है कि दिन क्या रात क्यों होता है और कैसे? बताइए। सूर्य उगता है तो सुबह से सूर्य ढलता है शाम। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता है। सिर्फ सूर्य के उदय होने या अस्त होने से दिन या रात नहीं होता। वास्तव में हमारी पृथ्वी एक प्रकार की गति करती है जिसकी वजह से दिन या रात होता है। और वह गति कैसी होती है, किस प्रकार से गति करती है, इसको हम वीडियो के माध्यम से जानेंगे। The Earth's axis is an imaginary line that runs through the poles of the Earth. And as I see in the globe, the axis is tilted at an angle. Yes, at 23.5 degrees. And the movement of the Earth... ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पर ये हमारी पृथ्वी है और ये एक काल्पनिक रेखा है और उसी काल्पनिक रेखा के चारों तरफ हमारी पृथ्वी घूमती है जिसे हम घूर्णन गति कहते हैं। एक बात और, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुकी हुई होती है। क्या यहाँ से आप लोगों को पता चला कि दिन या रात कैसे होती है? कोई बात नहीं बच्चों, इसको समझने के लिए हम वीडियो के अगले चरण में जानेंगे। On its own, we have days and nights. From west to east, only half of it faces the sun. This half, which faces the sun, has day, and the other half that does not get sunlight has night. When the earth rotates, day changes to night, and night changes to day. So, the rotation of the earth causes day and night. यहाँ देखिए, ये सूर्य है और सूर्य एक ही जगह पर स्थिर होता है और हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर लगातार घूमती है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के जिस हिस्से पर पड़ता है वहाँ पर दिन होता है और जिस हिस्से पर प्रकाश नहीं पड़ता वहाँ पर रात होती है। एक बात और बच्चों, हमने आपको बताया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 अंश झुकी हुई है और इसी झुकाव के कारण मौसम में परिवर्तन होता है, जैसे कि जाड़ा, गर्मी और बरसात।